कुरैश में एक मुज्जस खानदान समझा जाता था और इनके पास काबे की तवलीय थी यानी ये काबे की जो चाबी थी दरवाजा लॉक होता था और उस जमाने में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जाहिली जमाने में पीर और जुमेरात के दिन इन दो दिनों में काबे का दरवाजा खोला जाता तो लोग अंदर जाते थे तो चाबी किसके पास रहती थी उस्मान बिन तलहा के पास रहती थी तो एक दिन दरवाजा खुला रसूल अक्रम सला वसलम भी तशरीफ ले जाने लगे काबे में चूंकि काबा तो असल मस्जिद है वो तो मशरकों ने वहां कब्जा करके अपने बुद गाड़ दिए थे जिसको जिसकी सफाई की गई तहारत, काबे की तथहर की गई फिर फतेह मक्का के मौके पर काबे तो असल मस्जिद है तो मस्जिद पर कब्जा किया था तो आप सल्लाम भी काबे में तशरीफ ले जाने लगे अच्छा उस्मान बिन तलहा ने रोक दिया कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं आप नहीं जा सकते ये हिजरत से पहले का वाक़ है तो रसूल करम साम ने एक जुमला इशाद फरमाया आपने फरमाया कि वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है जब काबे की कुंजी काबे की चाबी मेरे पास होगी और मैं डिसाइड करूंगा कि किसको देना है उस्मान बिन तलहा ने जब ये जुमला सुना तो अपने दिल में ये ख्याल किया जिसको बाद में उन्होंने हदीसों के जरिए बयान किया जिसको बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था अपने दिल में उन्होंने ख्याल किया कि भाई अब तो गए मोहम्मद साउस ने कह दिया अब गए गेम ओवर फिर उन्होंने हाथ उठा लिया और रसूल अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए ये जुमला उस्मान बिन तल्हा कभी भूले नहीं यहाँ तक के आप हिजरत करके तशरीफ ले गए उसके बाद मक्का फतेह हुआ और जब मक्का फतह हो गया और आप्ल्म हरम में आए काबे के पास आए काबे का दरवाजा बंद था तो आपने कहा भाई बिन तल्हा से चाबी लेकर आओ तो उस्मान बिन तल्हा के पास कोई ऑप्शन नहीं था चाबी दे नहीं देनी थी चूंकि रसूल इस वक्त मक्का फता करके आए हैं तो चैलेंज नहीं किया जा सकता था मुसलमानों का ट्वीट नहीं किया जा सकता था जैसे पहले किया था आप अली सलाम ने काबे की चाबी खुलवाई ताला खुलवाया चाबी के जरिए काबे में अंदर तशरीफ ले गए नमाज पढ़ी इबादत की काबे की सफाई की बुतों को फेंका उठाकर वगैरह वगैरह उसके बाद उस्मान बिन तलहा ने कहा कि लो भाई हमारी जो एक साख थी पूरी पूरे जजीरतल अरब में कि हमारे पास काबे की चाबी है वो तो खत्म और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही थी वो आज पूरी कर दी अब आप यहां पर देखें कि हजरत अली और हजरत अब्बास रजी अल्लाह अनुमा ये दोनों कौन है हजरत अली रजी अल्लाह अनु आप रजियस के कजिन और आपके दामाद बलस आप के कोई लड़का नहीं था बस हजरत अली रजी अल्लाह ही वो सारी वो चीज पूरी करते थे इतने करीब थे दामाद दामाद की हैसियत बेटी की तरह होती है दूसरी तरफ अब्बास रदी अल्लाह चचा और अब्बास रदी अल्लाह के पास जमजम जम्ण की जिम्मेदारी थी यानी हाजियों को पानी पिलाना जमजम वगैरह से ये उनका काम था तो उन्होंने आसम से इन दोनों ने आकर कहा कि यार अल्लाह अब चूंकि चाबी आपके पास है तो ये चाबी आप हमें इनायत कर दीजिए तो हमारे पास दोनों ड्यूटीज हो जाएंगी कि जमजम की जिम्मेदारी भी हमारे पास रहेगी और काबे की जिम्मेदारी भी हमारे पास रहेगी ये एक बहुत नोबल स्टेटस है ये कोई मामूली चीज नहीं है कि काबे की चाबी आपके पास हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन को तलब किया कि उस्मान को है। उस्मान बिन आए सोच रहे होंगे कि आज तो गए पता नहीं क्या हुक्म सादिर होगा और आप सल्लाम ने यह चाबी उनको दे दी ये है अदल क्यों चूंकि अल्लाह कुरान करीम की आयत नाजिल फरमा दी थी कि कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें जहां देनी है वहां दे दो ये चाबी तुम्हारे पास अमानत है ये उस उस शख्स को वापस करो जिससे तुमने ली है आप सल्लल्लाहु सल्लाम उस वक्त अगर आ, इस्लाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना बनाया हुआ कोई दीन होता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के सच्चे पैगम्बर ना होते तो चाबी उनकी जेब में होती उस्मान बिन तलहा के पास ना होती उस्मान बिन तलहा तो वो थे जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे में दाखिल होने से रोक रहे थे आज आप सलाम का मौका था कि आप वो इंतकाम लेते ले लेकिन नहीं लिया अल्लाह के के हुकुम सामने अपने दामाद की ख्वाहिश को और अपने चचा की दरखास्त को दोनों को मुस्रद कर दिया ना दामाद की बात सुनी ना चचा की उस्मान बिन तलहा को चाबी वापस कर दी यह है अदल की आला तरीन मिसाल के जो दुनिया के किसी भी मजहब में आपको नहीं मिलेगी तो ये जो आ, आप सलात उस मौके के ऊपर जिसका मुजाहरा किया और उसमें साथ में ये भी फरमाया कि कयामत तक के तुमसे अगर कोई चाबी लेगा तो वो जालिमों गासिब ही होगा आपने यह भी इर्शाद फरमा दिया उस खानदान में उस दिन से लेकर आज तक चाबी मौजूद है सऊदी बादशाह के पास चाबी नहीं है सऊदी बादशाह को काबे में दाखिल होना होता है तो पहले रिक्वेस्ट जाती है शेबी खानदान के पास उसको शेबी खानदान कहते हैं बनू शेबा है कुरैश की, की एक शाख है शेबी खानदान के पास वो लोग इसको अलाव और अलाउ करते हैं दरवाजा खुलता है और उसके बाद फिर सऊदी अरब का बादशाह काबे में दाखिल होता है वो चाबी आज तक वो हकूमत के पास नहीं है उस खानदान के पास है और जो लेगा चूंकि आप अः फरमा दिया जो लेगा वो जालिम और गासीब होगा तो कोई भी आदमी कोई भी हुकूत ये नहीं चाहती कि उसको तारीख में जालिम और गासिब माना जाए वो भी रसूल अक्रमली वसलम की जबानी तो वो चाबी आज तक उनके पास है तो ये है अदल की मिसाल